क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद हुसैन है, फरीदपुर का रहने वाला हूँ। कैसे आपको एटीएम पकड़ के कैसे पैसे निकल गए? पैसे 20,000 रुपए एटीएम से निकाल पाए थे, तब तक जो है पर्ची नीचे गिरी, वो उठाने के लिए झुके तभी एटीएम चेंज हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर में 15 मिनट बाद मेरे कने मैसेज आया 38,999 का फ्रॉड हो गया मेरे साथ, और उसमें जो है मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्जदार हूँ, 10 लाख रुपये का लोन भी ले रखा था मैंने और 50,000 रुपये का पर्सनल लोन दिया था बैंक ने, वही पैसा था जी मेरे कने, और उसमें मेरे कने अब पैसा ख़त्म हो गया जी, अब मेरे कने कोई देने का लेने का जरिया नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कल शाम 6:30 बजे की बात है। कहाँ से निकाले थे पैसे? बैंक इसका कौन सा है? पीएनबी एटीएम स्पेशल पर रोड पे है, वहाँ पे ही ऐसा हुआ है। और कार्ड किसी ने बदल दिया? कार्ड चेंज करके और पैसे उड़ा लिए, और उसने पीछे से खड़े हुए दो लड़के थे, और फरीदपुर में एटीएम के इसमें कैमरों में उसकी तस्वीरें भी आई हुई हैं, और उन्हीं लोगों ने चेंज करा है, और वही लोग जो है कह रहे थे 10,000 करके निकालो, जो लड़का मेरा निकालने गया था वहाँ पे, और जो है उसके बाद में वो एटीएम चेंज हो गया, फिर पैसे मेरे नहीं निकल पाए, मुझे बहुत ज़रूरी थी निकालना, फिर निकल नहीं पाया, तो मैंने फरीदपुर में थाने में तहरीर दी और 112 नंबर पे भी जो है बुला के मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, मुझे बरेली भेजा गया, एसएसपी ऑफिस में मैं आ गया, एसएसपी ऑफिस में मैंने तहरीर दी है, मुझे जो है अपने पैसे वापस चाहिए, मैं बैंक ये 38,999 रुपये का फ्रॉड हो गया मेरे साथ, और मैं कर्जदार हो गया बैंक का, और मैं जो है बैंक का कैसे पैसा अदा कर पाऊँगा? मैं कस्बा फरीदपुर मोहल्ला बक्सरिया, मेरी ऑक्सीजन सिलेंडर का काम है, मैं एक कार्यकर्ता साइकिल मिस्त्री भी हूँ।